हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि मेरा चैप्टर फॉर जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का जारी है, झारखंड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, क्या रोल है, उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो नोट्स इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था। लिखवाया जा रहा था कि कैसे योगदान चल रहा है रामगढ़ बटालियन का, कैसा योगदान रहा पलामू के नीलांबर पीताम्बर का इस दौरान, सिपाही विद्रोह के दौरान। और उसी सिपाही विद्रोह की अगली कड़ी में आप लिखेंगे कि 1857 की क्रांति में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय ने हम चल रहे हैं 1857 विद्रोह और झारखंड के संदर्भ में चल रहा है मेरा चैप्टर। छात्र आपने लिखा है कि 1857 की क्रांति में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ने मिलकर छोटानागपुर क्षेत्र में विद्रोह किया। इन दोनों ने मिलकर बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह इन दोनों ने मिलकर बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह से प्रेरित होकर मुक्ति वाहिनी सेना मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। उसी में विश्वनाथ सहदेव को झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ सहदेव को झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्ति वाहिनी सेना में सेना में सेना में सेनापति गणपत राय राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं प्रमुख सैनिकों में शेख भिखारी शामिल थे।
शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ने राय ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों के विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए, विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को लोहरदगा के जमींदार महेश नारायण शाही एवं विश्वनाथ दुबे की सहायता से लोहरदगा के जमींदार महेश नारायण शाही और विश्वनाथ दुबे की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे बाद में अंग्रेज कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार आदेशानुसार 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची के अपर बाजार में स्थित जैन मंदिर के ठीक सामने पांडे गणपत राय को रांची के अपर बाजार में स्थित जैन मंदिर के ठीक सामने जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। जिसे वर्तमान में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन के दौरान ही शेख भिखारी को, आंदोलन के दौरान ही शेख भिखारी को छह जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को, और 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटू में, चुट्टू पालू घाटी में बट ब्रिज में इन्हें फांसी दे दी गई, इन्हें फांसी दे दी गई। इसके अलावा उसी स्थान पर टिकैत उमराव सिंह को भी, तथा इसी स्थान पर टिकैत उमराव सिंह को भी फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, चुट्टू पालू घाटी जो और मांझी क्षेत्र के अधीन आता है, चुट्टू पालू घाटी जो और मांझी क्षेत्र के अधीन आता है, यहां के टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी ने मिलकर, चुट्टू पालू घाटी का मार्ग अंग्रेजों के लिए अवरुद्ध कर दिया था, मतलब रोक दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति में सीभूम के पुरहाट के राजा, 1857 की क्रांति में सीभूम में पुरहाट के राजा, पुरहाट के अर्जुन सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में रामगढ़ बटालियन के जमादार, माधव सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल परगना क्षेत्र में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ
भयंकर विद्रोह किया था। इसके अलावा अलावा अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह में हजारीबाग के इसके अलावा अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह में हजारीबाग के जगत राम सिंह ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्रोह के दौरान हजारीबाग और चतरा के उपायुक्त विद्रोह के दौरान हजारीबाग और चतरा के उपायुक्त सिंपसन थे, बीसी सिंपसन थे, सिंपसन थे। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार को या ब्रिटिश सरकार को विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार या ब्रिटिश सरकार को सहायता पहुंचाने वाले नागवंशी महाराज जगन्नाथ सहदेव का अंग्रेजों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया, धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इसके अलावा कंपनी सरकार को सहायता पहुंचाने वाले को विभिन्न उपाधि दी गई, जैसे जगत पाल सिंह को खिल्लत और पेंशन, ये सब अंग्रेजों के सपोर्ट किए थे, जैसे जगत पाल सिंह को खिल्लत और पेंशन कमा दीजिए, शिव चरण राय को खिल्लत और उनके जागीर में वृद्धि, शिवचरण राय को खिल्लत और जागीर में वृद्धि कौन दीजिए, कुंवर भिखारी सिंह को खिल्लत और जागीर में वृद्धि, नेक्स्ट, तथा किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को कंपनी सरकार या कंपनी सरकार को सहायता पहुंचाने के लिए राय बहादुर की उपाधि दी गई, नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह झारखंड में समाप्ति के बाद, 1857 का विद्रोह झारखंड में समाप्ति के बाद कुछ लड़ाकू और युद्धप्रिय जनजातियों जैसे कोलों संथालों आदि को सेना में भर्ती किया जाने लगा, छात्रगण अभी हमने
झारखंड का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, इस संदर्भ में केवल एक कड़ी 1857 का विद्रोह और झारखंड का योगदान की एकमात्र कड़ी को समझा। अगली कड़ी में असहयोग आंदोलन, थाना भगत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह में भी झारखंड का क्या योगदान रहा, उसे समझेंगे और नोट्स भी साथ साथ लिखेंगे। ओके, थैंक यू।